वन प्लस नॉट थ्री। हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर वन प्लस का नॉट थ्री बहुत जल्दी इंडिया के अंदर आने वाला है, और इसमें हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो पूरा देखिए, जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया आपने नहीं किया, आज का वीडियो स्टार्ट कर। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस के नॉट थ्री के बारे में, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत टाइम से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं फाइनली ये फोन बहुत जल्द आने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो अगर मैं बात करता हूँ फोन के बिल्ड डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ बहुत अच्छा प्रीमियम बिल्ड डिज़ाइन दिया गया है वन प्लस नॉट थ्री में। लुक वाइज मुझे फोन बहुत अच्छा लगा, नॉट वन नॉट टू नॉट टू टी अगर आप जाके देखोगे तो वो बहुत अच्छा था। इस बार भी डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया गया। डिस्प्ले में अगर बात करता हूँ 6.7 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलने वाली है, फ्रंट एमोलेड पैनल, सेंटर पंचोल में भी आपको देखने मिल जाने वाला है। तो आप कह सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई, यहाँ बढ़िया डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया। बात करता हूँ तो डायमेंसिटी का 9000 वाला चिपसेट है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम किया चिपसेट डायमेंसिटी 9000। और कहीं कहीं लीक्स ये भी आ रही है कि स्नैपड्रैगन का वाला चिपसेट है वो भी मिल सकता है। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ ज़्यादातर खबर यही है डायमेंसिटी 9000 वाला मिलेगा, बिकॉज वो ज़्यादातर पॉपुलर है। कैमराज में मैं बात करता हूँ, मेन कैमरा ऐप आपको मिलने वाला है 50 पिक्सल का, और यहाँ पर मेन 50 पिक्सल का सोनी का लेंस मिलने वाला है आपको, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, माइक्रो लेंस मिल जाएगा, सेल्फी में 30 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से आप अच्छी फोटो खींच पाओगे। तो डेफिनेटली कैमरा डिपार्टमेंट में फोन अच्छा काम किया वन प्लस ने। बैटरी में अगर मैं बात करता हूँ तो बैटरी जो आपको 5000 mAh की मिलने वाली है प्लस टाइप सी, यहाँ पर आपको 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। पिछले बार यहाँ पर बैटरी 4.5 थी, बस इस बार 5000 mAh बैटरी कर दी गई है, 500 mAh इंक्रीज़ किया गया, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। लीक्स ये थी किया बैटरी इंक्रीज कर दी, मेरे सबसे अच्छी बात है। और एडाप्टर बॉक्स में UI में आपको एंड्रॉइड 3 देने वाला है। ये है पूरे यहाँ पे वन प्लस तरफ से वन प्लस का नॉर्ड 3 एंड स्पेसिफिकेशन वाइज तो ये बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फाइनली मैं बात करता हूँ 2 मेन चीज़ के बारे में, प्राइस और एक लॉन्च। तो इस फोन की जो प्राइस करी जा रही है वो बोला यहाँ पर अराउंड 34-35,000 रुपीज़ करीब हो सकती है, और इसका मेरे हिसाब से जो बेस वेरियंट है वो 33-34,000 में आएगा, और जो उसका हाई वेरियंट है वो 38-39,000 में जा सकता है। तो डेफिनेटली यार प्राइस वाइज तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इन्हें ओवर कर दिया है, मतलब 30,000 रुपये तक लेकर आते तो और बेटर हो सकता था, बट मेरे हिसाब से 33-34,000 ज़्यादा हो गया। कमेंट करके आप अपनी मुझे राय बता सकते हैं। फाइनली लॉन्च की मैं बात करता हूँ, तो इस फोन की लॉन्च जो है वो जून के मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ आने वाला है, मतलब क्या 31st तो ही है, मतलब इसी मंथ आप बोल लें कि नेक्स्ट मंथ ही बोल लें तो आने वाला है, एंड जून के एंड में कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर देखने आपको मिल सकता है। वैसे बहुत टाइम यहाँ पर वनप्लस ने वेट करवाया है, तो अब बस ये महीना आएगा, ये बस आप लोग वेट कर लो, फिर आपको जून ही मिल जाएगा, मतलब इसी मंथ नेक्स्ट मंथ ही मिल जाएगा, तो आप लोग उसको बाय कर पाओगे। कमेंट कर बताओ कैसा लगा वीडियो, और यहाँ पर नॉट 3 के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कब से वेट कर रहे हो ये भी मुझे बता देना। और मेरे हिसाब से अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज और भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया मुझे लगे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो हम बात करेंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आजकल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कम से कम एक वीडियो लेकर आए चैनल पर, तो उस पर तो आपको सपोर्ट करना ही करना है। एंड इसमें इतना रखता हूँ, थैंक फॉर वॉचिंग।